गुड मॉर्निंग दोस्तों, MES कल्चर में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे IPC, जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम भी आ रहा है LLB वाले को, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के जो है, आप लोग चाहे BA LLB कर रहे हैं या LLB कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। बाकी आप लोग जो है कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो टीयर 3 लेवल से, जैसे APO हुआ, PCSJ हुआ, उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इस केस ला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे टॉप 24 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है केस ला के बारे में हम लोग जानेंगे, फुल डिटेल से जानेंगे इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस जजमेंट आपको बता देंगे। बाकी आप लोग को अगर पढ़ना होगा तो आप लोग जा करके ढूंढ करके उस केस को अगर स्टडी कर सकते हैं एकदम बढ़िया से तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इतना ही पढ़ लेंगे तो आप लोग के काम में आएगा, क्योंकि इतना ही अगर आप लोग एग्ज़ाम में लिख देंगे तो नंबर आप लोग का नहीं कटेगा मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लोग आप लोग ये सेशन को विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको जो है ये बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अगर आप लोग टाइम टू टाइम नहीं देख रहे इसको और बीच में स्किप करेंगे तो आप लोग को दिक्कत होगा। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं इतना रात को 4 बज रहा है तो पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग सोचिएगा यार कि थोड़ा तो जज्बा होना चाहिए यार, अपने अंदर हिम्मत लाओ यार, क्योंकि यार मैं पढ़ा सकता हूँ तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग के अंदर वो जो है कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, लास्ट तक पढ़िएगा। अगर आप लोग को पास एक पेन या कॉपी, मतलब चाहे जो ऐसे कॉपी ले लीजिए एक और एक पेन ज़रूर निकाल के रखिएगा, वहाँ लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, 4 से 6 पेज ख़त्म होगा। लेकिन आप लोग को केस ला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे भी तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स नाउ। तो आप लोग थाम लीजिए अपने दिल को और अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित करिए, सिर्फ हमारे ऊपर ही करिए, हमारे ऊपर फोकस करिए और इस वीडियो के ऊपर करिए, थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, उसके लिए थैंक्स मैंने बोला है इसलिए, बाकी अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए अब ये जान रहे हैं कि आप लोग इसमें लीडिंग केसेस है 1860, IPC हमारा बना 1860, तो 1860 के बाद हम लोग इस कानून को देखते हैं, इसके बारे में सब चीज़ें होती हैं, तो हम लोग देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट केस। देखिए पहला नंबर हमारे पास आ गया है आप लोग के बीच में, ली कुन्ही बनाम आप लोग का स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये चीज़ें हो गया है, तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं डिटेल्स है, बाकी इसको इस केस को एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए आपको मिल जाएगा। अगर नेट पे नहीं मिलेगा तो मुझे संपर्क करिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल्स भेज दूंगा। बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट इतना मेहनत से करके इस नोट्स को तैयार किया हूँ मेरे भाई, बहुत छाट करके यार, बहुत बड़े बड़े केस ला उसमें तो दिए हैं बुक्स में, और हर एक कई जगह से मैंने उसको सही से बनाया है, बहुत मेहनत किया हूँ रात भर पूरे आज, तो आप लोग इसे ज़रूर यार इस मेहनत को मत डुबाने दीजिए यार, आप लोग पढ़िएगा। तो चलिए अब हो गया आपका, इसके बाद आप लोग यहाँ देखिए दूसरा केस ला रहा है आपका बूटा सिंह बनाम राज, मतलब आप लोग का AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 1316 में इसने कहा था, इसमें कहा गया था इस केस में कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार को स्थापित करने हेतु तो अभियुक्त को इस संबंध में साक्ष्य पेश करना चाहिए। ये किसने कहा था, इस ये जो है आपके जो है ये जो आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्होंने ये जजमेंट दिया था। बाकी इस केस में कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा तो वो आप लोग डायरेक्ट जाकर के डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि जजमेंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जजमेंट ही आप लोग के सुप्रीम कोर्ट के देखे जाते हैं। अगर आप लोग कोई केस डीलिंग कर रहे हैं या कोई कानून कोई केस लड़ रहे हैं आप लोग, तो उसमें ये जजमेंट ही काम देते हैं, वो जजमेंट को ही वहाँ प्रेजेंट करना होता है जज के सामने, बाकी की उस केस के बारे में पूरी हिस्ट्री नहीं बतानी रहती उसको, जजमेंट की इसी केस में ऐसे कहा गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो चलिए अभी हो चुका है, तो नंबर तीसरा नंबर केस है आप लोग का मिठू, देखिए मिठू या मिठू कहिए या मिठू कहिए, बनाम आप लोग का है पंजाब राज्य, तो AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 473। मेरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उक्त वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार देते हुए अखंडित और शून्य घोषित कर दिया, तो इस केस में कहा गया है कि असंवैधानिक और शून्य घोषित उसको कर दिया गया। इस किसने कहा, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप लोग के जो मेन पॉइंट ऑफ इस समय जुडिशरी का है हेड है वो सुप्रीम कोर्ट ही है मेरे भाई। अब अगला केस आप लोग का केस आ गया बच्चन सिंह
बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार पूछा जाए, जिसमें डायरेक्ट फुल क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, बन जाते हैं। AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट, इसमें कहा गया उक्त वार्ड में यह निर्दिष्ट किया गया है था, यह निर्दिष्ट किया गया था कि जो है मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। इस इन्होंने कहा कि मतलब विरल से विरल, मतलब बहुत लो परिस्थितियों में ही जो है उस सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दिया जाना चाहिए, मतलब जो चीज़ें हैं मृत्युदंड, मतलब जैसे मृत्युदंड ऐसे किसी को नहीं दे सकते मेरे भाई, ऐसे आप लोग का ये अवेलेबल, आप लोग की एबिलिटी नहीं बनती है कि आप किसी को ऐसे मार दें, ऐसे जा करके किसी को काट देंगे किसी से। तो इसमें कहा गया था इसमें कि जो है सुप्रीम कोर्ट को ऐसा सोचना चाहिए कि जब कोई, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट कहा था कि जब मृत्युदंड किस लिए देना चाहिए, मृत्युदंड जब बहुत मतलब चलने लायक ना रहे तब मृत्युदंड दिया जाता है, ऐसे नहीं किसी को दिया जाता है। आप लोग जान रहे हैं जनरली चीज़ें हैं, आप लोग जानते भी होंगे ये चीज़ें हैं। इसके बाद आगे देखिए आप, वासुदेव सिंह बनाम आप लोग का पैप्सू राज है, AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट, उक्त वाद मद जो है मदपान पर एक सूचक निर्णय है, इसमें कहा गया था, तो देख लीजिएगा। अब अगला जो है आप लोग का सेराज बनाम डी रूट 1895 AQB 918 कहिए। तो उक्त वाद में यह व्यक्त किया गया था कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्हित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता है। तो जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक आप लोग का इसमें जो है संविधि में दुराशय अंतर्निहित ही माना जाएगा, ये कहा गया था इस केस में। अगला केस देखते हैं हम, क्योंकि थोड़ा तेज देखेंगे नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश ऑफ राज्य, जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो होता है, उक्त वाद में इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय में मृत्युदंड को उचित ठहराया जा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि उच्चतम न्यायालय जो है कि मृत्युदंड को जो है उचित, मतलब उसको ठहरा दिया गया था इस केस में। अगला केस देखिए, गोपाल जो है विनायक गोडसे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इसमें कई बार मतलब ऐसे अचानक पूछ भी लिया जाता है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए। तो इसमें कहा गया है आप लोग का बराबर रहता है महाराष्ट्र राज्य है, इस बात में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक जेल में। मेरे भाई इसमें कहा गया था कि आजीवन कारावास का जो है अर्थ है कि जैसे मृत्यु जो हो जाए, जैसे मतलब मृत्यु, जब तक मृत्यु ना हो जब तक आपको जेल में ही बंद रहना है, ये आजीवन कारावास का मेन वो है। आजीवन कारावास मतलब कहते हैं लोग को जो है उम्र कैद हो चुकी है, उम्र कैद की जब तक मृत्यु आपकी नहीं हो जाए जब तक वहाँ से आप छूट नहीं सकते, इस केस में कहा गया था। इसमें कहा गया देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर बनाम टालसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इससे फुल क्वेश्चन मेरे भाई पूछते हैं, तो आप लोग इसको सही से पूरे डिटेल्स में पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप लोग कहीं भी मिलेगा, आपके बुक्स में मिल जाएंगे, आप लोग के आप लोग चाहे जहाँ से सीरीज भी लिए होंगे, अगर होगा तो होगा, कोई कन्फर्म नहीं है, बाकी आप लोग चाहे आप लोग नेट पर शेयर करेंगे आप लोग बहुत जगह मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, बाकी दिक्कत होगा तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग मुझे संपर्क करिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी को मैं बता देता हूँ। इस बात में कहा गया तथ्य के आधार पर बचाव से संबंधित है, इसमें कहा गया था कि जब कोई तथ्य रहते उसके उससे के कारण हम लोग बचाव कर सकते हैं। अगला देखिए आर ब्राम टाल जो है डंडले एंड स्टेपन का केस है, उक्त वाद में आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा बचाव से संबंधित है, इसमें प्रतिरक्षा और बचाव अपने आत्म को प्रतिरक्षा मतलब अपने आप को बचाव करना यही इसमें दिया गया। इसके बाद अगला केस है आप लोग का मैग्नाटन का वाद, मैग्नाटन का वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फुल क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, इसे ज़रूर देखिएगा, और यार मेरे भाई जज्बे रखिएगा यार, हिम्मत रखिए यार, आप लोग का हर एक सपना पूरा होगा मेरे भाई। उक्त वाद में विकृतचित्तता के आधार पर बचाव संबंधी नियमों का प्रतिवादी किया गया था, इसमें कहा गया था इसमें प्रतिवादी किया गया था। अगला है आप लोग का डायरेक्टर ऑफ पब्लिक जो है प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड DPP BED ये होता है आप लोग का शॉर्टकट, उक्त वाद में मतदाता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, इसमें कहा गया था अपने आप को प्रतिरक्षा या चीज़ें होना तो इस चीज़ से संबंधित है, ज़्यादा कुछ होता हो नहीं, एक पूछ लेता जो ज़रूरी है। KM जो है
नानावटी बनाम महाराष्ट्रवाद में युक्तवाद में गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अधिकारिता अभिनिर्धारित किया था कि इंग्लैंड की भांति भारत में भी अपराधी को दोष सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर है और उसे भार का निर्वहन उक्त युक्ति संदेह से पेश करना, मतलब उसे परे करना या पेश करना, ये चीज़ें रहना चाहिए इसमें। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें और कुछ बता दूं कि जो है ऐसे जैसे मैंने पीसी के बारे में बताया था, ऐसे मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट लग केस ला, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का आपको मिलेगा, ऐसे पब्लिक इंटरनेशनल, मतलब हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा आपको। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम लखनऊ यूनिवर्सिटी का 11 से स्टार्ट होने वाला है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट LLB के जो है मैं उससे पहले ही सब कुछ बता दूंगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या नहीं आते हैं, आपको कितना पढ़ना है वही बताऊंगा, वो भी वीडियो एक वीडियो बन जाएगी उसमें। इसके बाद आप लोग देखिए, बिरसा सिंह बनाम आप लोग का पंजाब राज्य, ये होता है आप लोग का उक्तवाद हत्या से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 300 के खंड 3 के अर्थ एवं परिधि को अस्पष्ट किया था। इस वाद में जो है न्यायाधिपति बी बी एन बोस ने सदोष मानववाद तथा हत्या विभेद उल्लेखित किया है, इसमें ऐसे ऐसे किया गया था। अगला देखिए आप लोग, बरिंदर कुमार घोष बनाम जो है एम्पायर, उक्तवाद में आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है ये। अगला देखिए, श्याम बिहारी बनाम उत्तर प्रदेश जो है राज्य, उक्तवाद में न्यायालय ने कहा कि डकैती से संबंधित ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कहा गया है इसमें जो अगला है आप लोग, अमजद खान बनाम जो है मध्य प्रदेश राज्य, इसमें आप लोग इसमें कहा गया था उक्तवाद जो है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है, आप लोग शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब अपना कर सकते हैं स्वयं। एक अगला केस आप लोग का है, KR सिंह बनाम जो है दिल्ली प्रशासन ने, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्तवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि करार जो है आपराधिक षड्यंत्र का सार है मेरे भाई, ये चीज़ें कहा गया। अब अगला देखिए, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, इसमें कहा गया उक्तवाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का के अंतर्गत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती दी गई, इसमें चुनौती दिया गया कि ये चीज़ करना चाहिए, चीज़ नहीं करना चाहिए, किसने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये हो गया आपका। अगला केस आप लोग का है, रेग बनाम गोविंदा, उक्तवाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 299-300 के बीच अंतर का पहली बार जो है विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया था, इसमें कहा गया। अगला केस ला देखिए, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज, उक्तवाद में आत्महत्या करने के प्रत्यन किया गया था कि मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, इसमें कहा गया, सॉरी दोस्तों सम्मिलित नहीं है, यह कहा गया। अगला केस का विशाखा बनाम जो है राजस्थान राज्य, AIR 19 आपका 79 सुप्रीम कोर्ट 300-11, उक्तवाद में जो है लैंगिक जो है उत्पीड़न के शासन के लिए उच्चतम न्यायालय ने जो है महत्वपूर्ण जो है मार्गदर्शक दिया, इसके बारे में ये चीज़ें कहा है। इसके बाद अगला केस आप लोग का महबूब शाह बनाम किंग जो है एम्परर, इस केस में कहा गया था कि पूर्वी काउंसलिंग में सामान्य आशय और समान आशय के मध्य अंतर स्थापित किया गया था, इसमें कहा गया था, इस वार में के नाम से भी जाना जाता है। किंग एम्परर बनाम जो है आप लोग का चुलिस्ट पदा मंडल, ये चीज़ें होती है, ये 1951। तो ये बस इंपॉर्टेंट इतने जो है 24-25 केस आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस इतना ज़्यादा बस आगे मत जाइएगा ज़्यादा, केसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा अभी हैं, लेकिन आप लोग इतना केसेस अगर याद कर लेंगे तो आप लोग एग्जाम में बहुत बड़े से क्वेश्चन फंसते ही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो इतना ही लिख देंगे, आप लोग का नंबर मिलेगा फुल क्वेश्चन में। तो थैंक यू दोस्तों, अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ आप लोग सही से बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि IPC में आपको क्या पढ़ने वाला है अगले वीडियो में, और आप लोग के जो IPC कैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि अब टाइम आप लोग के बीच में आ चुका है, यही क्वेश्चन पढ़ करके आप लोग एग्जाम में पास हो सके। तो थैंक यू, अब लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप लोग मौज करिए यार, एनर्जी को मत जाने दीजिएगा मेरे भाई।